अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अनवान वाव, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। 14 जनवरी 2023 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है और अगर मैं सदर की सीट पर बात करूं तो तीन बड़े कैंडिडेट जो है, तीन बड़ी बरादरियाँ आपस में कम्पीट कर रही हैं। राजपूत की फरहत की जमात से राणा शाद मोनिर मंज और अराई बरादरी की जानब से मियाँ अनवर लक और जट बरादरी की जानब से सज्जाद मुर्शद गिल आपस में मद्दे मुकाबल हैं। त्यौहार है क्रिसमस का, उस सिलसिले में ये आज हम खुशियों में शामिल होने का एक आज का वो सिर्फ अपने जो भाई हैं सारे हर वक्त हमारे साथ होते हैं, फिरते हैं दिन में, सिर्फ उनकी खुशियों में शरीक होना और यही मैं समझता हूँ कि इंसानियत का सही दर्शन है। बाकी इलेक्शन की कंपेन चल रही है लेकिन इलेक्शन की बातें बात नहीं है। ये जो है ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक क्रिसमस वाले से जो इनके दोस्तों की खुशियों में शरीक होना मकसद है सिर्फ। प्रीवियस ईयर में समथिंग वोट से इस इलेक्शन को जो है हमने लॉन्च किया था, इस वक्त कितने होपफुल हैं आप? देखें जी, अल्लाह की घर उम्मीद रखनी चाहिए, चीज़ें जो हैं वो जब खुदावंद करीम को अल्लाह ताला को मंजूर होती हैं वो हो जाती हैं। पिछली दफ़ा भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था और सिनेरियो भी बड़ा टफ था लेकिन कुछ 32 वोटों से फ़र्क रह गया, तो वो काफ़ी सारी बातें हैं जो उसी दिन पॉइंट आउट हो गई थी। बाकी हमने जो इस बार अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं समझता हूँ कि हम इलेक्शन वाइज जो है वो बहुत बेहतर फुटिंग पे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, जो अल्लाह ताला के लिए बेहतर समझे, जो सबके लिए बेहतर हो, जो बार के लिए बेहतर हो, जो हमारे लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला करीम वो फैसला फरमाए। कैंपेन का सिलसिला अभी तक कहाँ तक है, कैसी कैंपेन? तो जी पिछले पूरे तकरीबन शुरू साल से लगे हुए हैं, तो कैंपेन में मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी कचहरी के सेगमेंट्स हैं, शेख बरादरी है, मलक बरादरी है, इस वक्त तो तमाम बरादरियों के मुतफिका उम्मीदवार हैं। इस टाइम जो है ये बहुत होपफुल है और कैंपेन भी इनके जो है एक मुकम्मल हिकमत से जारी है। इस वक्त मैं यहाँ पर देखूँ तो चैम्बर के अंदर और दूसरे वकला भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से कि वो क्या कहेंगे और सेकंड इलेक्शन से। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने क्रिसमस की वजह से एक की है, तो इस वजह से थोड़ा सेकंड थोड़ा सा शाह मैं शायद मुजीब साहब का जो उम्मीदवार है सदर के लिए सेशन 2022-2023 के, वो उन्होंने हमारे जो नसीबी वकला हैं उनके एजाज़ में उन्होंने क्रिसमस तकरीब की, तो हम इनके मशकूर हैं। देखें हम इस धरती से हमारा खमीर, हमारी खुशियां, हमारे गम सांझे हैं, तो इन्होंने आज जो फैसलाबाद के तमाम मसीह वकला हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी सारे सबकी नुमाइंदगी करते हुए हम इनका शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने क्रिसमस के लिए हमारे लिए एक तकरीब सजाई और बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको इनके साथ हो, इन्हें फतह नसीब करे और इसी तरह जहाँ तक हमारा तलक है हम अच्छे उम्मीदवार की हमेशा हमायत करते हैं और हमें इस दफ़ा अच्छे लगे हैं, इंशाल्लाह हम इनकी हमायत इसी तरह दिलो जान से करेंगे। यहाँ पर अगर मैं वकला की बात करूँ तो वकला के एक हजूम है, मैंने लास्ट टाइम बार के अंदर एक सर्वे किया था जिसमें सबसे ज़्यादा जो वकला ने अपने कमेंट्स पेश किए वो राणा शाद मुनीर के हक में पिए, लेकिन आज आप इसका जो एक्चुअल तौर पर जो है इसका मंजर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा समा है, केक कंटी की जा रही है और तमाम वकला जो है पूरा उम्मीद है। यूँ लगता है कि इस दफ़ा जो है 2023 का मैदान राणा शाहद मुनीर के हाथ लग जाएगा और राज करेंगे DBA फैसलाबाद में। इसके साथ ही अनवान वाब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह फ़ी मान अल्लाह जी।